दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है उसी से संबंधित आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और आपका तैयारी किस तरह से अब हो और क्या आपके लिए यह बहुत आसान है या डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होने वाला है, इस वीडियो में थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए 100 अंकों का प्रश्न होगा, सही बात है, ये जानकारी में आ रहा है, पेपर में भी आप लोग देखें और बड़े बड़े अधिकारी का भी जो है ये कहना था कि 100 अंकों का प्रश्न होगा, जिसमें जो है सिलेबस में दो पोर्शन देखे जा रहे हैं, एक सामान्य अध्ययन और दूसरा जो है शिक्षण योग्यता, ये दो ही पोर्शन देखने को मिलेगा। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन, और इसमें जो है ना लगभग 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं आप सोच सकते हैं कि जीएस वाले पोर्शन में आपका मैथ, रीजनिंग, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतिहास, भूगोल, नागरिक, सब इसी में आ जाएगा। आप सोच सकते हैं कि यदि 50 अंकों का भी ये पूछता है तो 6-7 विषय इसमें आ जाएगा, तो कितना डिफ़िकल्ट है। लेकिन किन लोगों के लिए यह डिफ़िकल्ट नहीं है ये भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, और किनको तैयारी जो है अब किस तरह से करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, छोटा सा वीडियो है। तो ये कंप्लीट जो है जानकारी नहीं है कि जीएस कितना अंकों का पूछा जाएगा, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो 50 अंकों का पूछा जाएगा या तो 75 अंकों का पूछा जाएगा। अगर 75 अंकों का पूछा जाता है जीएस तो आपका शिक्षण योग्यता से 25 क्वेश्चन रहेगा, ये जो है जानकारी, ये निश्चित रूप से हो सकता है। अगर 50 अंकों का जो है जीएस होगा तो आपका शिक्षण योग्यता से 50 अंक होगा, तभी तो 100 अंकों का प्रश्न होगा। तो जो भी हो आपको तो पढ़ना सभी विषय होगा जीएस वाले पोर्शन में, या तो 50 क्वेश्चन पूछे या तो 75 क्वेश्चन पूछे। आप सोच सकते हैं कि जीएस का लेवल जो बताया गया है इसमें, वह बताया गया है 10th और 11th 12th का, यानी कि जीएस में आपसे इतिहास, भूगोल, नागरिक जो पूछा जाएगा वह 10th बेसिक होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है आपका बौद्ध से भी, बौद्ध धर्म से भी पूछा जा सकता है, बाबर अकबर से भी पूछा जा सकता है, आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जा सकता है। सोच लीजिए 5-6 नंबर के लिए आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ये है। आपको 5-6 नंबर संविधान से भी रहेगा तो उसके लिए पूरा भाग, पूरा अनुच्छेद, पूरा अनुसूची, जितने भी संशोधन हुआ है सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, आप यदि पहले से भी ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हो, सीटेट अपना मेरिट से पास किए हो, फिर भी आपको कठिन मेहनत की आवश्यकता है। और जो लोग पूरी तरह से नियोजन पे आधारित थे और वे अपना पढ़ाई छोड़ चुके थे तो उनको तो और रात दिन एक करना पड़ेगा, सोच लीजिए, क्योंकि जीएस वाले पोर्शन 50% से ज़्यादा होने की संभावना है और इसमें सारे विषय का जो है समावेशन होता है, सभी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इसी में हो सकता है कि कुछ बिहार स्पेशल भी डाले 10 क्वेश्चन, और करेंट अफेयर भी आने की संभावना है 5 क्वेश्चन, तो 5-5 क्वेश्चन भी अगर हम जोड़ते हैं, भूगोल, इतिहास, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी से 5-5 क्वेश्चन जोड़िएगा, करेंट अफेयर 5 गो, मैथ 5 गो, जीएस 5, रीजनिंग 5, तो ऐसे तब 50 क्वेश्चन हो जाएगा। आप सोच लीजिए, तो आपको अब हर सब्जेक्ट पर काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसे जो भी इजी वे में लेंगे, आसानी वे में लेंगे ना कि ये आसान है, तो उनको धोखा हो सकता है इस एग्ज़ाम में, सोच लीजिए। अब ये जो है शिक्षण योग्यता, जो है शिक्षण योग्यता, इससे जो क्वेश्चन आएगा ना, तो जो सीटेट अभी हाल फिलहाल में पास किए हैं अपने मेरिट से, तो उनके लिए तो ये कहने का मतलब CDP वगैरह उनका कंप्लीट होगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे फिर से वे जो है रिवीजन कर लेंगे, तो उनके लिए ये तो कंप्लीट बहुत आसानी से हो जाएगा जो सीटेट अभी मेरिट से पास किए हैं, और जो मेरिट से पास ना किए उनके लिए तो और भी कठिन होने वाला है, ये एकदम स्पष्ट हम कह देते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से सिलेबस आपके सामने आया, पास मार्क सामने आया, पेपर में जो है ये जिक्र किया गया कि 50% रहेगा और 45% रहेगा पास मार्क, उस हिसाब से मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, विश्लेषित कर रहा हूँ। आप सोच लीजिए, यही देखिए ना कि जीएस में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ, किन के लिए आसान होगा,
जो भाई कोचिंग वगैरह पढ़ा रहे हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वे जीएस वाले पोर्शन से जो है अपडेट होंगे, क्योंकि हर चीज़ वहीं पढ़ाना होता है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। मैथ में भी पढ़ा रहे होंगे, है ना, रीजनिंग भी पढ़ा रहे होंगे। रीजनिंग तो अब हर चीज़ में लॉजिक वाला सिस्टम है भाई। बच्चों को अगर खेल खेल भी करा रहे हैं तो वो भी रीजनिंग है, समझ लीजिए, खेल खेल से पढ़ा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ है कि अब आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ का जो मार्क वायरल हुआ है, पास मार्क वायरल हुआ है, वो हाई वायरल हुआ है आपका पेपर में। कम नहीं, पहले से कहा जा रहा था कि 30% पर पास होगा, ऐसा तो कुछ आया नहीं। अब देखना है कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ निकलता है, क्योंकि अभी जो जानकारी पेपर के माध्यम से आया था उसी को यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो तैयारी में लग जाइए, और ऐसा संभावना है कि 10 क्वेश्चन मैथ का भी देखने को मिलेगा, 5 क्वेश्चन रीजनिंग को भी देखने को मिलेगा। तो ये 15 क्वेश्चन आप आसानी से थोड़ा सा मेहनत करके जो है कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो अब यहाँ तक पहुँचे हैं, सीटेट भी पास किए हैं, तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको होगा। बस आपको करना क्या है कि सब सब्जेक्ट जो भी है, जैसे मैथ है तो जितने भी चैप्टर है उसको जो है एक जगह करके, और प्रत्येक चैप्टर के बारे में उसके नियमों को अच्छी तरह से याद करना है कि हम क्या पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रत्येक चैप्टर को आसानी से देख करके वहाँ पे और रिवीजन करना है। रूल क्या है, संख्या पत्ति में कितने तरह के प्रश्न होते हैं, लसम अस में कितने तरह के प्रश्न होते हैं, लाभ हानि में कितने तरह के प्रश्न होते हैं, बनाने का नियम क्या है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लाभ हानि पूरा पढ़ जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, 8 अगर टाइप है तो 2-4 टाइप तो बहुत आसान है, वे तो आप बना सकते हैं, और इसमें सीधा सीधा ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो है कि आपका बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। एक जो वीडियो वायरल हुआ था, वे जो है आपका, उसमें कहा जा रहा था कोई आईएएस है उनके द्वारा कि भाई क्वेश्चन जो है इस तरह का जो है आपका सिलेबस होगा। तो ओवे वाले वीडियो जो है ना, ओवे प्रधानाध्यापक के लिए है, ओवे टीचर के लिए नहीं है। तो उतना हार्ड जो है नहीं रहने वाला है सिलेबस, इजी रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट बहुत सारा रहेगा पढ़ना, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी यदि मैथ रीजनिंग का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो जल्द ही मैं लाने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।